पंजाब के मोहाली में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में एक MBA स्टूडेंट गर्ल्स हॉस्टल के बाथरूम में अन्य लड़कियों की वीडियो बनाती थी, फिर इन्हें अपने दोस्तों से शेयर करती थी। एक दिन जब MBA स्टूडेंट वीडियो बना रही थी तो उसे 6 लड़कियों ने ऐसा करते देख लिया। इसके बाद बवाल मच गया। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पंजाब पुलिस की SIT ने मंगलवार को मोहाली के चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में लड़कियों की वीडियो लीक मामले में 3 आरोपियों से पूछताछ की। पुलिस को तीनों आरोपियों यानी MBA की छात्रा, उसका बॉयफ्रेंड सनी मेहता और उसका दोस्त रंकज वर्मा से शुरुआती पूछताछ में कई तथ्य हाथ लगे। पुलिस को MBA स्टूडेंट के एक आरोपी से व्हाट्सएप पर चैट के कुछ स्क्रीनशॉट भी हाथ लगे। इनसे ऐसा संकेत मिला कि उसे वीडियो बनाने के लिए ब्लैकमेल किया जा रहा था। इतना ही नहीं, पूछताछ के दौरान एक और यानी चौथे आरोपी की भूमिका भी सामने आई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक छात्रा के मोबाइल से 1 दर्जन से ज़्यादा वीडियो रिकवर किए गए हैं, लेकिन वह सभी वीडियो उसके अपने हैं। पुलिस को व्हाट्सएप चैट से पता चला कि छात्रा एक और फोन नंबर पर किसी मोहित से बात कर रही थी। पुलिस जल्द ही चौथे किरदार से पूछताछ कर सकती है, उसे जल्द ही समन भी भेजा जा सकता है। एक पुलिस अफसर ने बताया कि वे आरोपियों के मोबाइल फोन की फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, जिससे पूरा मामला सामने आ सके। पुलिस स्टेट साइबर सेल की मदद से आरोपियों के मोबाइल फोन का भी डेटा रिकवर कर रही है। फॉरेंसिक जांच टीम ने हॉस्टल के उस वॉशरूम का निरीक्षण किया जहां लड़कियों के नहाते हुए वीडियो बनाए गए थे। आपको बता दें कि पुलिस ने रविवार को इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। तीनों आरोपियों को 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया। आरोप है कि एक MBA स्टूडेंट गर्ल्स हॉस्टल में वॉशरूम में अन्य लड़कियों के वीडियो बनाती थी, फिर इन्हें अपने